गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग परदेश। दोस्तों, यदि आप जेपीएससी या फिर जेएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के लिए जो सेक्शन है उसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल्स इस चैनल में प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके लिए पीडीएफ फाइल, और आप इन टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रखें उसके लिए टेलीग्राम में क्वीज़ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है डेली बेसिस पर। ओके, और अभी फ़िलहाल डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर झारखंड करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। शुरुआत में ये पॉइंट वाइज बताया जाता था, लेकिन अब इसे क्वेश्चन के माध्यम से ही बताया जाता है ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन को किस तरह से, झारखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन को किस तरह से बना के पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग 25 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, किन्हीं का पुण्यतिथि है, जयंती है, तो वो कौन सा जयंती है या फिर कौन सा पुण्यतिथि है ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए 80। ओके, चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म है 23 अगस्त 1939 अश्विनी जयंती को रांची में हुआ था। रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ के दिवड़ी गांव में 1939 में जन्मे मुंडा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1947 से 1993 तक अमलेसा लुथरन मिशन स्कूल तमाड़ से प्राप्त की थी। इसके बाद है, 1982 में रांची लौटने के बाद उन्होंने तत्कालीन संभागीय आयुक्त व रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कुमार सुरेश सिंह के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की। इसलिए खासकर ट्राइबल एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था। तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इंडिया में आदिवासी भाषा साहित्य का जो पहला विभाग था वो कहाँ इस्टैब्लिश किया गया था और किनके थ्रू इस्टैब्लिश किया गया था। रामदयाल मुंडा आदिवासियों के स्वतंत्र पहचान के पक्षधर थे और इसके लिए वे धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म के रूप में खड़ा किया और उसे प्रतिष्ठित करने की दिशा में काम किया। उन्होंने आदि धर्म नामक पुस्तक भी लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना है, आदि धर्म। ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और भी हम लोग जान लेते हैं कि 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला था। 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। 22 मार्च 2010 को वे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे। अंतिम दिनों में डॉक्टर मुंडा कैंसर से पीड़ित रहे, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। 30 सितंबर शुक्रवार 2011 को लगभग 5:30 बजे रांची के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, एक नया सीरीज इस चैनल में स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें क्या होगा, इस तरह के जो फेमस पर्सन है झारखंड के, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, झारखंड के जो भी फेमस पर्सन है इस तरह से, उनके लिए एक बायोग्राफी टाइप का वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बनाया जाएगा। उसमें क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे कि अगर एग्जाम में इनसे जुड़े कोई भी क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है तो वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, विद इन 1 or 2 डेज ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियो सीरीज का स्टार्टिंग इनसे ही किया जाएगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा से। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रानी, डॉक्टर उषा, डॉक्टर सरला या फिर डॉक्टर क्वीन? तो रांची यूनिवर्सिटी के पीजी अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर क्वीन को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी गुजरात और मोटिवेशनल स्ट्रिप्स विश्व भर के लेखकों के सक्रिय मंच ने दिया है।
इसके लिए दुनिया भर के 80 देशों के 350 लेखकों ने अपनी एंट्री भेजी थी। डॉक्टर क्वीन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला के सक्रिय कवि हैं। साथ ही समय समय पर इनके शोध पत्र, किताब और पुस्तक समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। उनकी कविता सूर्पनखा को गुजराती में और अंग्रेजी कविता ओवरसाइज्ड को अरबी में अनुवाद किया जा चुका है। उनकी कई कविताओं का अनुवाद स्पेनिश भाषा में भी किया जा चुका है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शांति राजदूत सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मई 2020 में डॉक्टर क्वीन को यूनाइटेड नेशन ऑफ लेटर्स का गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया था। यहाँ पर एक चीज आपको याद रख लेना चाहिए पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1960 को हुआ था और अभी इनका जो चांसलर है रांची यूनिवर्सिटी का रमेश कुमार पांडे है, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे हैं। ओके, 1992 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग बना। जनवरी 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर बना। अगस्त 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा बना। तो आप देख सकते हैं कि सबका जो मदर यूनिवर्सिटी था वो स्टार्टिंग में रांची यूनिवर्सिटी ही था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का ई इनॉग्रेशन किसने किया है? लगभग अभी सभी जगह सभी चीज़ों के लिए ऑनलाइन इनॉग्रेशन, जिसे ई इनॉग्रेशन भी कहा जा सकता है, यही हो रहा है कोरोना संक्रमण के कारण। तो इसका ऑप्शन क्या है? अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन सिंह या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का ई इनॉग्रेशन किया है। शोरूम का इनॉग्रेशन इंडिया ग्लोब चैम्बर्स ऑफ LIC वेस्टर्न जर्नल ऑफिस फोर्ट मुंबई में किया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम ट्रिप्ट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक पहल है जिसका उद्देश्य आदिवासियों को मार्केटिंग की दुनिया से आजीविका उपलब्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका आंसर क्या है? झारखंड के अभी क्या है कि थोड़ा सा फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, जैसे कि रिसेंटली मनसा पूजा मनाया गया, फिर गणेश पूजा, अभी कर्मा का माहौल चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको उस तरह से सुनाई पड़ेंगी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। चलिए, झारखंड के 4 जिलों गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार में केंद्र सरकार द्वारा बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने पूरे भारत के 117 पिछड़े हुए जिलों में इसकी शुरुआत की है। इस योजना के टोटल 2 साल का समय निर्धारित किया गया है और इसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए तय की गई है। ICAR के माध्यम से हर जिले को प्रथम वर्ष में 25-25 लाख रुपए और दूसरे साल में 23-23 लाख रुपए देने का प्रावधान है। बायोटेक किसान हब योजना समावेशी खेती इंक्लूसिव फार्मिंग पर आधारित तकनीक है। योजना के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल पर काम होगा, जो कि ये जो है किसानों के कृषि सेवाओं और प्रबंधन को बाजार पहुंचाने में मददगार होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 1-1 ITI कॉलेज खोला जाएगा? 1, 2, 5 या फिर 6? तो राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 1-1 ITI कॉलेज खोला जाएगा। इस योजना के तहत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में ITI कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में केंद्र सरकार लगभग 20.5 करोड़ रुपए तथा झारखंड सरकार लगभग 14.25 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। हर वीडियो लेक्चर में, करेंट अफेयर के हर वीडियो लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था? छात्रों को बीमा का लाभ देने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन है? लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया। इससे पता चलता है कि आप करेंट अफेयर, झारखंड करेंट अफेयर से अप टू डेट रहते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता है कि झारखंड का जो GS सेक्शन है
उसके लिए झारखंड का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब रांची विश्वविद्यालय है। ओके, और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पता चलता है कि आप लोग की तैयारी किस लेवल पे हो रही है, आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पहले आदिवासी अभियंता कौन नियुक्त किए गए हैं? अशोक भगत, मुरारी भगत, कृष्णा भगत या फिर त्रिपुरारी भगत? अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो इसका आंसर आप आसानी से कर देंगे, और आपसे हमारी उम्मीद भी यही है कि आप डेली करंट अफेयर को देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी टॉपिक पर लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा उसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ये खुद से कोशिश कीजिए कि लेक्चर देखते समय आप अपने लैंग्वेज में नोट्स तैयार करें, क्योंकि बाद में जब आप PDF पढ़ेंगे और जो नोट्स आपने बनाया है उसे पढ़ेंगे तो वो जो नोट्स है वो PDF के रिस्पेक्ट में काफ़ी फायदेमंद होगा। ओके, इसलिए आप नोट्स बनाने की आदत डालिए और लेक्चर को देखने के साथ साथ नोट्स तैयार कीजिए। ओके, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं झारखंड करंट अफेयर के अगले वीडियो में।